नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर हकीकत जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, लेकिन जिसने आंखें मूंद ली हो अगर वो चिल्ला चिल्ला के दूसरों से आंखें खोलने के लिए कहे तो स्थिति वाकई भ्रम की होती है। और जब जब कोई बुराई अच्छाई का नकाब ओढ़ लेती है तो गुनाह होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। एक आम इंसान जो दो वक्त की रोटी के संघर्ष में ही उलझा रहता है, उसे झूठे दिलासे देकर, झूठे सपने दिखाकर जब कोई अपने स्वार्थ की रोटी सेंकता है तो स्थिति बहुत गंभीर होती है। ये केस मानवीय हनन की एक ऐसी ही दुख भरी मिसाल है। ये उम्र है तुम्हारी? सिगरेट्स, बियर, नाइट क्लब, फिर तो गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन भी बना लिए होंगे। पापा, मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ जो आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। चुप, बिल्कुल चुप। सवाल लड़ाता है। रितिका, क्या हुआ? ये देखे, इसके तेवर देखे, इसके ये सब तुम्हारे लाड़ का नतीजा है। तुम्हें सिर्फ मुझे ही दोष देना आता है ना? तुम खुद कभी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते हो? अरे तुम तो टाइम स्पेंड करती हो ना? ये देखो क्या बना के रखा है इसको। तो क्या करूं? हाँ, क्या करूं? मारूं इसे? मारूं इसे? हाँ, इधर इधर। नहीं, अरे अरे क्या कर रही हो तुम इसी समय? समझ में नहीं आता, काम संभालू या तुम लोगों को संभालू? प्रथम, तुम्हारे शो के गेस्ट आ गए और तुम आज फिर लेट हो गए हो। सागरिका जी, अगर आप मुझे लाइव शो करने देती तो मैं कभी लेट नहीं होता। अब करो शूट प्लीज। कम कम ऑन फास्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार के नाम पर हमारे देश में कई सारे स्कूल हॉस्पिटल्स बने, पर सुजोई जी आप बताइए, जब पर्याप्त मात्रा में टीचर ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो फिर इन सब इमारतों से जनता को क्या फायदा होगा? समझिए, आपको मालूम नहीं, हमने कई भर्तियां की है और एक से एक काबिल डॉक्टर्स और टीचर्स की। काबिल? अरे सर, अब तो आप भी जानते हैं और जनता भी जान चुकी है। पिछली बार हमने हमारे स्टिंग में बताया भी था, प्राइमरी के टीचर्स खुद गलत स्पेलिंग लिखकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये सब झोला छाप टीचर्स और डॉक्टर्स की भर्ती के पीछे कितने की रिश्वतखोरी हुई है। रिश्वतखोरी? आप न्यूज वाले, अपने आप को समझते क्या हो? सुन लीजिए, कुछ भी बोलने से पहले, सॉरी सर, पूरा सुन लीजिए। ये जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें से 40% लोगों की डिग्रियां फेक है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पास प्रूफ है सर। चलिए आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, इन सब भर्तियों में आपने कितने पैसे खाए? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए? अरे कुछ भी बके जा रहे हो, ए सब बंद करो, ये सब टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। सुजोय जी, जनता जानना चाहती है, सच सामने आके रहेगा सुजोय जी। What do you mean, yeah? What do you mean by what? अरे सच बोलने में डर लगता है तो बंद कर दो चैनल। प्रथम, चैनल तो बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जरूर खत्म होने वाला है। धमकी दे रही हो मुझे? Don't you forget, I am the face of this channel. हर न्यूज एंकर को ऐसा ही लगता है। आई सजेस्ट तुम खुद ही अनाउंस कर दो कि तुम ये चैनल छोड़ के जाने वाले हो। हो सकता है मार्केट में तुम्हारा अभाव बढ़ जाए। Choose your ways. You want to resign? To be fired. तेरे पापा मेरे लिए आइडियल है कुणाल। अब माना तेरी उनसे जमती नहीं है, लेकिन मुझे उनके अंडर इंटर्नशिप करनी है। तू कैसे भी करके बस मुझे उनसे एक बार मिलवा दे यार, मेरी लाइफ बन जाएगी। मैं तुझे उनसे मिलवा तो दूंगा, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूंगा, तो उसके साथ मजे कर लेना। चल ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ। जारा, मैं तुम्हारा एडमिशन अपने बेटे कुणाल के स्कूल में करवा लूंगा, ठीक है? पुरानी बातों को भुला कर सिर्फ अपनी स्टडीज पे ध्यान देना। अरे क्या हो गया? सर वो बिल्ली रास्ता काट गई है। ठीक है, यू टर्न लो। देना, देना। गाड़ी आगे लो। अरे देना। ए, ए, कुणाल, ये जारा है,
मेरे फ्रेंड की बेटी, आज से हमारी गेस्ट है। जाओ इसे अंदर ले जाओ। हाय जरा कम कम कम। ये लड़की कौन है? मेरे फ्रेंड की बेटी है, आगरा से। कुछ दिन पहले उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। रिश्तेदार इसे अपनाने को तैयार नहीं है, इसलिए जारा आपसे हमारे साथ ही रहेगी। पर एक मिनट। आ सागरिका। लगी तो नहीं? नहीं। It's okay. रामू, अरे कोई बात नहीं, It's okay. जग्गी, सीट बेल्ट लगा। अरे सीट बेल्ट लगाना बोला ना तेरे को, सीट बेल्ट लगा। अरे बंगाली, तूने मेरा बॉडी ट्रांसफर कर दी था। तेरी तो ओए, तेरी तो गुरुग्राम पुलिस स्टेशन। सर जी, आज गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पे एक बहुत बड़ी हस्ती की किडनैपिंग होने वाली है। रितिका, तुम्हें जारा से प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो गई कि उसकी हेल्प करने से? मैं उसे निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम तो फिर तुम चाहती क्या हो? अब सारी बात फोन पे ही करोगे तो क्या करूँ? अपना शो कैंसिल कर दूँ तुमसे बात करने के लिए? शाम को घर आता हूँ, फिर बात करते। रोड पे किडनैपिंग होने की इंफॉर्मेशन मिली है, पेट्रोलिंग टीम अलर्ट रहे। इस नौकरी में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन इतने साल घिसवाने के बाद भी एक भी बड़ा केस नहीं मिला। अरे क्या बड़ा बड़ा करते रहते हो, मैंने तो सोचा था पुलिस वाले हो, कुछ ऊपरी कमाई भी करते होगे। बिना हमेशा कोसती रहती हूँ। अरे जैन सर, कहा हो राजेश? सर वो फील्ड पे आया था तो लंच करने घर आ गया। तुम्हारे थाने में किसी अनजान कॉलर ने कॉल करके कहा था कि गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर किसी बड़ी हस्ती का किडनैप होने वाला है, कुछ पता चला उस मैटर पे आगे? सर अभी तक तो कुछ मालूम नहीं चला है। सर मुझे लग रहा है किसी ने मस्ती की है। राजेश, बिना जांच के कुछ भी गैस मत करो। अगर उस कॉलर की बात सही निकली तो मीडिया को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घर से निकलो तो पता करो क्या मैटर है। ओके? यस सर। क्या हुआ, बड़ा केस मिला? बड़ा केस, धक्के खाने का काम मिला है। हेलो सुनील, अरे पता चला कुछ? अच्छा रुक, आता हूं मैं। सर, फरीदाबाद रोड पर गश्त के बाद में यह महंगी कार देखकर बड़ा अजीब लगा, और जब मैंने पता किया तो मालूम चला कि यह कार प्रथम नागपाल के नाम है। ये तो बहुत बड़ी हस्ती है ना? जी सर। बड़ा केस। जी सर। कुछ नहीं, आसपास के इलाके को अच्छी तरीके से सर्च करो, कुछ भी पता चलता है तो डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करो, समझे? जी सर। इसको राइट हैंड पे क्यों मार दिया, साइंटिस्ट क्या करेगा वो? अबे ढंग से देख, लेफ्ट है। सर्वप्रथम मानगरवारी रोड से ही आता है, पर वो रोड साइड अपनी कार क्यों पार्क करेगा? देखिए हमें लगता है कि प्रथम नागपाल को किडनैप किया गया है। किडनैप? अभी प्लीज ये खबर आप आउट मत कीजिएगा, एक बार हम कंफर्म कर दें उसके बाद ही। अच्छा अगर मान लिया जाए कि प्रथम नागपाल किडनैप हुआ है तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये? सर प्रथम बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों के ऊपर शो करता रहता था, और अक्सर उसे सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भी मिलती थी। कौन कौन दे रहा था धमकी उसको? सर सोशल मीडिया का कोई एक फेस तो होता नहीं, मैंने कहा था उसे कि वो सिक्योरिटी ले ले, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। थैंक यू। आगरा में तो सिर्फ पढ़ाई करती थी या कुछ एक्साइटिंग भी करती थी? एक्साइटिंग मतलब? एक्साइटिंग मतलब तुम ऐसी सीधी हो या अपने सीक्रेट छुपाती हो? और वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या?
जारा, कुणाल अंदर जाओ। हमें लगता है आपके पति का किडनैप हो गया है। आपके पास कोई रैंसम कॉल, किसी ने प्रथम की फिरौती मांगी हो? नहीं सर, लेकिन काफी देर से प्रथम का फोन ऑफ आ रहा है और उसके ड्राइवर का भी। क्या प्रथम सच में किडनैप? अभी हम श्योर नहीं है, लेकिन आप प्रथम के ड्राइवर का नंबर और एड्रेस दीजिए। उनका ड्राइवर उमंग यही सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। तो गलत आदमी को उठा दिया तूने। मीडिया में ना जरा से भी हलचल नहीं है कि कोई बड़ी हस्ती गायब हुई है, समझा? ए, हमारा दिमाग खराब कर बिना तू चुप कर जा, ये सब तेरा झोला है। ओ तेरे बाप का फोन। भाई भाई, ये बंगाली ने गलत आदमी पे उंगली रख दी है, पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया है हमारा। अबे भूतनी के, एक लाश भी मिली है जंगल में पुलिस को, किसको उठा दिया तूने? सर, प्रथम नागपाल के अलावा शहर की कोई दूसरी बड़ी हस्ती गायब नहीं हुई है, और जहां पर प्रथम नागपाल की कार मिली है उससे कुछ ही दूरी पर उसके ड्राइवर उमंग की लाश मिली है। यही साबित होता है सर कि उसकी किडनैपिंग हुई है। सर, ना तो इस किडनैपिंग से जुड़ा कोई विटनेस मिला है और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज जिससे ये बात कन्फर्म हो सके कि वो किडनैपिंग प्रथम नागपाल की हुई है। लेकिन सर, जहां पर वो कार मिली थी वो फरीदाबाद रोड के पास है, वहां दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं है। अच्छा, वो अनजान कॉलर कौन था जिसने गुरुग्राम थाने में कॉल किया था? सर, वो कॉल स्टेशन रोड के एक पीसीओ से किया गया था और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सर, फिलहाल तो वो शख्स भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। और एक बात और सर, ना तो प्रथम की फैमिली वालों ने और ना ही न्यूज चैनल वालों ने कोई कंप्लेंट फाइल की है। फिर किस बेसिस पे हम इस केस में आगे बढ़े? लेकिन सर, आप ही ने कहा था कि हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। अगर हमने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया तो कल को मीडिया हमारे पीछे पड़ सकता है। राजेश सही कह रहे हैं। मनीष, राजेश तुम प्रथम की वाइफ और उसके घर के फोन सर्विलेंस पे डालो। अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती मांगी जा सकती है। सर, प्रथम, इससे पहले तो तुमने अपने ऐसे दोस्त के बारे में नहीं बताया जो आगरा में था और आज अचानक उसकी बेटी को यहाँ ले आए। कौन था वो दोस्त? जरीना, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। ओ, तो जारा की माँ तुम्हारी दोस्त थी? हाँ, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही तुम? एक मिनट, एक मिनट, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हेलो, अपने शाहजान को मिस तो बहुत कर रही होगी तू। कौन बोल रहा है? अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो 15 करोड़ तैयार रख। फरौती के लिए जिस औरत ने आपको फोन किया था उसकी आवाज पहचानती हैं? आप कुछ बता सकती हैं कौन थी वो? नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रथम का किसी औरत के साथ कोई इशू, कोई अफेयर किसी के साथ? नहीं, नहीं सर। अगर फरौती के लिए आपको दोबारा कॉल आता है तो आप यही कहिएगा कि आप पैसों का इंतजाम कर रही हैं, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय कीजिए। उससे क्या होगा कि हमें किडनैपर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और आपको रैंसम के लिए कॉल आया था, प्लीज ये किसी से जिक्र मत कीजिए। हमने लगभग सभी मीडिया हाउस से भी ये अपील की है कि वो प्रथम की किडनैपिंग की न्यूज ना चलाएं, इससे प्रथम की जान को खतरा हो सकता है। यहीं पर हमें प्रथम नागपाल के ड्राइवर की लाश मिली थी और यहीं से कुछ दूरी पर उसकी कार। अच्छे से सर्च करो, शायद हमें कुछ काम का मिले जो हमें किडनैपर्स का लीड दे। सर। हाँ बोल। कहाँ धक्के खा रहे हो कल से? घर आके कम से कम वर्दी तो बदल लेते। अरे टाइम नहीं है अभी, इतनी मुश्किल से तो बड़ा केस मिला है। कुछ ना होगा तुम्हारा, काम करोगे तुम और नाम होगा तुम्हारे अफसरों का। जानता हूँ, मुझे फील्ड पकड़ा के मुझे मेरे ओहदे का एहसास कराया जा रहा है, लेकिन मैं इस केस में अपनी कामयाबी की राह ढूंढ के ही रहूंगा। सर, प्रथम नागपाल ने अपने शो में कई बड़े घोटालों के खुलासे किए, जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस, टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, इन सब बड़े मुद्दे पर उसने शो किए थे। और एक बात और सर, प्रथम को काफी वक्त से सोशल मीडिया पे धमकियां भी मिल रही थी। धमकियां देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो हम ट्रेस नहीं कर सकते, सबके सब फेक अकाउंट है। लेकिन जिस तरह से प्रथम के लिए 15 करोड़ की फिरौती मांगी गई, समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी हस्ती को किडनैप करके कोई फिरौती मांगने का रिस्क क्यों लेगा। इस केस का असल मकसद क्या है? और सर, फिरौती के कॉल भी फेक आईडी के नंबर से किए गए हैं, लेकिन हमने लोकेशन ट्रेस किए, वो कॉल यूपी के कोसी से किया गया था। कोसी? यस सर। मैं प्रथम के शो के कुछ वीडियोस देख रहा था,
उसने कोसी की एक केमिकल फैक्ट्री के बड़े स्कैम को उजागर किया था। कोसी की तनेजा केमिकल फैक्ट्री में जो स्कैम चल रहा है वो स्कैम कोई मामूली स्कैम नहीं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वहां पर नकली दवाइयां और नकली इंजेक्शंस बनाए जा रहे हैं। उतना ही नहीं, वो सारी नकली दवाइयां और नकली इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन कोसी पुलिस चुप है। ये है तनेजा केमिकल फैक्ट्री का मालिक लोकी तनेजा। इस रिपोर्ट के बाद ही अंडरग्राउंड हो गया था। इन्वेस्टिगेट करो इसको। प्रथम ने अपने शो के 43 एपिसोड्स में बड़े चेहरों को बेनकाब किया था, उन सबकी लिस्टिंग करो, किसी को नहीं छोड़ना है। यस सर। प्रथम नागपाल, बहुत रिसर्च किए मैंने तेरे काम की। सारा, एक बात सच सच बताओगी, क्या प्रथम अंकल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आगरा आते थे? तो फिर अगर तुम प्रथम अंकल से पहले कभी मिली ही नहीं तो उनके साथ यहाँ कैसे आ गई? आंटी, वो अमित प्रथम अंकल का शो देखती थी और उन्होंने कहा कि वो प्रथम अंकल को जानती हैं। जरीना, जरीना नाम था ना तुम्हारी अम्मी का? तुम्हारे अब्बू का नाम क्या था? याकूब। वो मुझे यहाँ लेने आएंगे। मेरे फ्रेंड की बेटी है, कुछ दिन पहले उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। लेने आएंगे? मतलब वो जिंदा है? हाँ आंटी, वो दुबई में है। पर प्रथम ने तो कहा था कि तुम्हारे अम्मी अबू की डेथ हो चुकी है। अगर तुम्हारे अबू जिंदा हैं, तो क्या तुम्हारी अम्मी भी जिंदा है? थाने बुला के मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, आपके न्यूज चैनल आना नहीं चाहता था। पीजी में आपकी रूममेट्स होंगी, यही जगह ठीक है आपसे बात करने के लिए। सर, आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? प्रथम अपनी बीवी से ज्यादा आपको कॉल किया करता था, मुझे लगा शायद आप उसे उसकी बीवी से ज्यादा अच्छी तरीके से जानती होंगी। सर, ही इज माई बॉस और हम लोग काम के अलावा कुछ और बात नहीं करते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रथम की बीवी को कॉल किस लेडी ने किया होगा? सर, ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको। अच्छा, प्रथम की लाइफ में कोई औरत थी जिससे प्रथम का इशू रहा? नो आइडिया सर। सर, लेकिन प्रथम सर और सागरिका मैम की कभी बनती ही नहीं थी। इवन मैम तो चाहती ही नहीं थी कि सर उनके साथ काम भी करें। ऐसा क्या इशू था दोनों के बीच? सर, इशू तो सुजय घोष के शो के बाद में काफी बड़ा हो गया था, पर सर सागरिका मैम ने वो क्लिप ही एडिट कर दी थी। पर बाद में प्रथम सर ने मुझसे उस क्लिप की कॉपी मांगी थी एक पेन ड्राइव में। लेकिन प्रथम उस पेन ड्राइव का क्या करने वाला था? सर, हो सकता है कि सर उसे सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो सुजय घोष के धज्जे उड़ जाते। तुम्हारे प्रथम ने धमाके तो बड़े बड़े किए और अब कोई भी मीडिया हाउस उसकी कितने भी खबर तक नहीं चला रहा। इसे पुलिस की एडवाइजरी कह लो या प्रथम की बदनसीबी, पर बंदा था बड़ा होनहार। तो गोनी भाई इसको अपना जूता सुंगा के कहाँ चले गए हैं? सेकंड लीड है ना, कभी हीरो नहीं होता, समझा? और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। ओए छोड़ दो मेरी बेबे को। तू बता तेरा बाप का नहीं तो तेरी माँ का गला घोटता हूँ अभी। ओए मैंने बोला था नहीं पता। पानी, तुम्हें सुजोय के खिलाफ कोई सबूत मिला? सबूत ही ढूंढ रहा हूँ सर। सर, इस सुजय के साथ साथ मुझे सागरिका पर भी शक है और मैं रवीना पर भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसका प्रथम के साथ में अफेयर चल रहा था, इसीलिए प्रथम की बीवी रितिका पर भी मैं शक कर रहा हूँ। सर, इतने बड़े न्यूज़ रिपोर्टर की किडनैपिंग में अफेयर का एंगल काफ़ी छोटा लग रहा है। सर, आई थिंक हमें तनेजा और सुजय जैसे लोगों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर जी, फोकस करने को बहुत कुछ है इस केस में। जैसे प्रथम का ड्राइवर उमंग, जो 6 महीने पहले ड्यूटी पर लगा था, और उसके पहले जो ड्राइवर था वो हार्ट अटैक से मर गया था, और वो भी उमंग का ही रिश्तेदार था। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सर, जो पुराना ड्राइवर था काफी हट्टा कट्टा हेल्दी था, उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये बात इस तरफ सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं उसकी मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है राजेश, ड्राइवर की लाश का चेहरा भी बिगाड़ा गया। राइट सर, इसीलिए मैंने उमंग के पिछले दिनों की एक्टिविटीज मालूम की तो पता चला कि ये फरीदाबाद के एक होटल ब्लैक थंडर में अक्सर कॉल किया करता था। अब सर, सोचने वाली बात यह है कि कोई ड्राइवर एक होटल में बार बार कॉल क्यों करेगा। गुड ऑब्जर्वेशन राजेश। राजेश, तुम प्रथम के पर्सनल एंगल देखो। मनीष, तुम प्रोफेशनल एंगल। सर,
थैंक यू मत बोल, मैंने रैम करके पानी पिलाया तुझे, ये मत समझो जग्गी मोह में। आदमी यहाँ पर बहुत कॉल किया करता था, उमंग नाम है इसका, जानते हो इसको? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। और ऐसे भी हमारी होटल में बहुत सारी कॉल्स आती हैं इंक्वायरी के लिए और यहाँ रहने वाले कस्टमर से बात करने के लिए। अब किसने किसको कॉल किया है ये तो मैं नहीं बता सकता ना। पिछले एक महीने में यहाँ पर कौन कौन ठहरा सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे, साथ में सीसीटीवी फुटेज भी। भूल जाओ उसे, रिकॉर्ड कर लिया तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे साथ शादी नहीं रचाएगा, किसी और को पसंद कर लिया उसने। तूने उसको मेरे खिलाफ भड़काया ना, सुनो मैं काट डालूंगा सबको, जैसे मैंने अपने बेबे के कातिलों को काटा था। बेटा मम्मी को बुलाओ, कुछ काम है। अंकल मम्मी तो सुबह से कहीं गई हुई है। कहाँ गई है? मालूम नहीं। सर मेरे सोर्सेस से तनेजा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, शायद वो नकली पासपोर्ट पे विदेश जा चुका है। मैं प्रथम के शो के कुछ वीडियोस देख रहा था, रिसेंटली उसने बागियों की रिपोर्ट पर अपना शो किया था, अपने शो के दौरान उसने बागियों के मुद्दों को उठाया और शो के दौरान उसने एक अज्ञात बागी से बात की कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाई थी। आज मैं अपने शो में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। बागियों के गिरोह के साथ जुड़े हुए एक आदमी का नंबर हमें मिला है, हमने उस आदमी के साथ जो भी बात की, मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसका रिकॉर्डिंग सुने। हम अपनी लड़ाई सिर्फ जंगलों में नहीं लड़ते, तो क्या आप शहर भी आप लोगों के टारगेट पे? और मैं जानता हूं आपने कई बड़े शहरों में अपने स्लीपर सेल बना लिए, ऐसा क्यों? आप हंसिए मत और जल्दी देख लेना, मैं अब शहर में छिपे आपके लोगों का चुन चुन के पर्दाफाश करूंगा। ज्यादा हवा में मत उड़ वरना जान से जाएगा। सर फिर तो जरूर प्रथम नागपाल की किडनैपिंग के पीछे इन बागियों का ही हाथ होगा। सबसे पहले मनीषा में यह पता करना होगा कि जिस अज्ञात बागी से उसने बात की थी वो नंबर किसका था, किस नंबर पर बात की थी उसने, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो नंबर। सर प्रथम अपनी सब रिपोर्ट्स के बारे में मुझे नहीं बताता था, मैं नहीं जानती कि उसने उस दिन किसे कॉल किया था, वो इंटरनेट कॉल थी या कोई नंबर। आप प्रथम के शो का काफी कंटेंट कटवा देती थी, आपको वाकई में नहीं मालूम है कि उसने किसको कॉल किया था, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं सर, मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती। सर प्रथम सर के काफी सारे स्ट्रिंगर्स थे जो उनके लिए रिसर्च करते थे, तो हो सकता है ये नंबर उन्होंने ही प्रथम सर को प्रोवाइड कराया। अच्छा कौन थे वो स्ट्रिंगर्स, कुछ मालूम है? प्रथम सर खुद ही उनसे कोऑर्डिनेट करते थे, तो कुछ आइडिया नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ सागरिका ही नहीं, ये रवीना भी घुमा रही है। प्रथम के सीडीआर और कॉलिंग ऐप में जितने भी नंबर्स सबको खंगालो। सर सर प्रथम की बीवी रितिका अचानक से गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? सर उसका फोन गुरुग्राम से आगरा की तरफ ट्रैवल कर रहा था और फिर आगरा जाकर बंद हो गया, तब से उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। फरोते के लिए कॉल कोसी से आया था, कोसी आगरा रोड पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनैपर्स ने प्रथम की बीवी से किसी और जरिए कांटेक्ट किया और वो हमें बिना बताए किडनैपर्स को फरोते की रकम देने चली गई? हो सकता है सर। और सर ये जारा भी आगरा में रहती है, जारा प्रथम के दोस्त की बेटी है, और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब वो प्रथम के घर पर रहने आई उसके दो दिन बाद ही प्रथम की किडनैपिंग हो गई। तू वहाँ पर अपने न्यूज़ रूम में बैठकर बागियों की बहुत रिपोर्टिंग करता था ना, उनको बहुत धमकी देता था। तुम्हें तो मेरी हर रिपोर्ट से प्रॉब्लम है, ये तो बताओ अपना रिपोर्ट कार्ड कब दिखाओगे? बताओ किसके कहने पर तुम मुझे यहाँ पर लाए हो? यू ड्रीम अपार्टमेंट याद है, फ्लैट नंबर 104, तू जाता था ना वहाँ पे? प्रथम समाज का वो जागरूक चेहरा था जिसकी मीडिया रिपोर्ट्स ने उसे एक पॉपुलर न्यूज एंकर बना दिया था, सोशल मीडिया पे उसके लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन उसकी किडनैपिंग के बाद मीडिया जगत में असमंजसी स्थिति पैदा हो गई। लौकी तनेजा और सुजय घोष जैसे चर्चित चेहरे इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, वहीं न्यूज रूम में प्रथम के साथ एक लंबा वक्त बिताने वाले सागरिका और रवीना जैसे लोगों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए थी। और अब इस केस में बागियों के गिरोह का एक कनेक्शन भी सामने आया था, लेकिन जारा और उसके माता पिता से जुड़े रहस्य भी
चौंकाने वाले थे। प्रथम की पत्नी रितिका आखिरकार आगरा से वापस लौट आई थी और बाकी सस्पेक्ट के साथ रितिका भी अब पुलिस के रडार पे थी। वो किडनैपर्स कौन थे, किसके इशारे पे ये किडनैपिंग हुई थी, किस औरत ने प्रथम की फिरौती मांगी थी और आखिर उस घर का असल राज क्या था जिसकी बात गोनी कर रहा था। सर ये फुटेज किडनैपिंग से 15 दिन पहले की। प्रथम किसी केस पर स्टडी कर रहा था या फिर ये किसी अफेयर का मामला है? फिरौती के लिए कॉल भी एक औरत ने किया था। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये औरत कौन है। सर मैं रवीना और सागरिका दोनों पर नजर बनाए हुए हूँ। ठीक, लेकिन उस वक्त होटल में जितने भी फीमेल गेस्ट थे सबकी डिटेल निकालो। सर आगरा में रितिका जारा के रिश्तेदारों से मिली थी। सर मैंने पता किया है तो मालूम चला है कि जारा की अम्मी जरीना की मौत 6 महीने पहले कैंसर से हो गई थी। लेकिन सर गौर करने वाली बात तो ये है कि जारा के अब्बू याकूब को आगरा में कभी नहीं देखा गया। जरीना हर वक्त यही कहती रहती थी कि जारा के अब्बू दुबई में रहते हैं। जारा का अब्बू अगर जिंदा है तो इस वक्त कहाँ है? और जारा की अम्मी जरीना के इंतकाल के बाद प्रथम जारा को गुरुग्राम क्यों लेकर आया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जारा के अब्बू का कोई कनेक्शन है इस केस के साथ? सर मैं प्रथम सर से फरीदाबाद के होटल में क्यों मिलूंगी? तो ये औरत कौन हो सकती है प्रथम के साथ में? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे। एक्सक्यूज मी, बोलो सुनील। ऐसी सिचुएशन में जब प्रथम किडनैप्ड, आपको क्या सोची जारा के रिश्तेदारों से मिलने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं सर, मैं बस वो अब यही जानना चाहती थी ना कि प्रथम ने आपसे झूठ क्यों बोला कि जारा के पेरेंट्स मर चुके हैं जबकि जारा का फादर जिंदा है। जी जी वही सर, मैं जानना चाहती थी कि हो सकता है कि प्रथम किसी प्रेशर में जारा को यहाँ लेकर आए हों, या कोई तो वजह होगी जो प्रथम मुझसे सच छुपा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच आप हमसे छुपा रही हैं? क्योंकि हमें यह बात थोड़ी अजीब लग रही है, किडनैपर ने फिरौती के लिए आपको दोबारा से कॉल नहीं किया। नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही। इस औरत को पहचानती हैं आप जो प्रथम के साथ है? नहीं नहीं सर, इसमें तो इस औरत की शक्ल दिख ही नहीं रही है। नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती। ये कचरा बीनने वाले जहाँ पर ये कचरा बेचते हैं वहाँ पर मालूम करो, शायद किसी को मालूम हो गई बैग किस रैक पे कर का है। ओके सर। अम्मी बोलती थी कि अब्बू दुबई में हैं। बेटा कभी देखा था आपने अब्बू को? नहीं सर, अम्मी बोलती थी अब्बू कौन से झगड़ा होने के बाद वो उन्हें छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए, कोई एड्रेस मालूम है, फोन नंबर उनका? अच्छा जरा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे आने के बाद प्रथम और रितिका में झगड़ा हुआ था कभी भी किसी भी बात को लेकर? नहीं सर, उन दोनों का तो नहीं, पर रितिका आंटी और कुणाल का झगड़ा जरूर हुआ था। ठीक है, हाँ क्या ये, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं वो डर गया था मैं बहुत। ऐसा क्या था कुणाल के मोबाइल फोन में? सर पता नहीं। आप बता रही हैं कि आपने कुणाल के मोबाइल फोन से क्या डिलीट किया था, या फिर हम डेटा रिट्रीव करें? सर वो लड़का कुणाल को ब्लैकमेल कर रहा था उन फोटोज के थ्रू, कुणाल ने बहुत पैसे भी दिए थे उसे। ठीक है, बात हमने आपसे पहले क्यों नहीं बताई? सर प्रथम की रेपुटेशन का सवाल था, आई एम श्योर वो पिक्चर्स मॉर्फ्ड हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, वो कोई मॉर्फ्ड फोटोज नहीं है, बल्कि प्रथम सर ने खुद मेरे साथ। फोटो क्यों निकाली थी तूने? कुणाल को ब्लैकमेल कर रहा था ना, किसके कहने पे कर रहा था ये सब? नहीं सर, किसी के कहने पे नहीं, वो तो मैंने खुद ही। सर जिस नंबर से प्रथम की फिरौती मांगी गई थी वो नंबर फिर से कोसी में एक्टिव हुआ था, और इस बार उस नंबर से सुजॉय घोष को फोन किया गया था। मुझे आवाज ही नहीं आई कि मुझे किसने कॉल किया था। ये प्रथम मुझे परेशान कर रहा है सर, ये सब उसी की चाल है, आप उसे इतना सीधा मत समझिए, मुझे ब्लैकमेल कर चुका है। सागरिका से कहकर क्लिप एडिट करवाई थी, लेकिन आपको पता नहीं सर उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो
बहुत कमाया आपने सर, थोड़े बहुत हमें भी दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 10 करोड़। मुझे उससे पैसा भी देना पड़ा और 2 फ्लैट भी। आप पर नजर रहेगी हमारी जब तक सच बाहर नहीं आ जाता। सर, क्राइम सीन के पास जो गार्बेज बैग मिला था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शाम नाम के एक रैक पिकर का है, और ये शाम तभी से गायब है जब से प्रथम की किडनैपिंग हुई। हाँ, लेकिन इसके गायब होने का इस केस से क्या वास्ता? सर, ड्राइवर को मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। अगर ऐसा है तो उमंग किडनैपर से जरूर मिला होगा। तो क्या प्यारी है तुझे? जिंदगी है इज्जत। बकवास बंद करो। कितने पैसे चाहिए वो बताओ। जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पैसों का बड़ा गुरूर है तुझे? मैं सब जानता हूँ तू क्या करने जाता था उस अपार्टमेंट में। छोटे छोटे बच्चों के साथ सोके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, साले चाइल्ड मिनिस्टर। इसको जान से मत मारना, लेकिन इसको इतना टॉर्चर करो जितना इसने उन बच्चों को किया था। सर, जिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुजाय ने हमें बताया था उसमें वाकई 2 फ्लैट बुक हुए थे। और एक बात और सर, प्रथम के बैंक अकाउंट से पता चला है कि उसमें काफी करोड़ों रुपए पड़े हैं। ये देखिए सर। उस लड़की का पता चला जो प्रथम के साथ होटल में देखी गई थी? सर, फिलहाल तो उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ सर, उमंग के कॉल रिकॉर्ड्स में कई गेज और के नंबर मिले हैं। क्या प्रथम को वाकई में लड़कों का शौक था और उमंग उसके लिए लड़के बुक करता था? क्योंकि कुणाल के दोस्त राहुल का भी यही कहना है कि प्रथम उसको मोलेस्ट करता था। और सर, सुजॉय ने कहा था कि ये किडनैपिंग खुद प्रथम की चाल हो सकती है। प्रथम की जॉब जाने वाली थी, क्या वाकई में उसने अपनी किडनैपिंग इसलिए करवाई होगी ताकि लोगों की उसको सिंपैथी मिल सके? आखिर ये केस है क्या और इस किडनैपिंग का असल मकसद क्या है? प्रथम से जुड़ी जो निगेटिव बातें अब सामने आ रही थी, क्या उनमें वाकई कोई सच्चाई थी या ये सब प्रथम की छवि बिगाड़ने की कोई साजिश थी? किडनैपिंग के 16 दिन बाद तक भी इस केस का असल मकसद असमंजस से भरा नजर आ रहा था। हर दिशा में पुलिस को एक डेड एंड नजर आ रहा था। सर, मैंने होटल के एरिया में एक्टिव नंबर्स के डम डेटा निकाले तो ये नीलोफर नाम की लड़की का नंबर मिला। सर, ये है नीलोफर। इसका नंबर फिलहाल तो बंद है, घर पर भी ताला लगा है, लेकिन ये अक्सर प्रथम से बात किया करती थी, उसकी स्ट्रिंगर थी। लेकिन नीलोफर का नंबर बंद क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीलोफर ही वो लड़की है जो होटल में प्रथम के साथ थी? राजेश, एक काम करो, कौशी में जहाँ से फरौती के लिए कॉल आया था वहाँ पर नीलोफर और उमंग इन दोनों की फोटो घुमाओ, शायद वहाँ से कोई लीड मिल जाए। सर, बोला ना, वो तुमसे नहीं किसी दूसरे लड़के से शादी करेगा और वो दूसरा लड़का मैं हूँ। वो शर्म करो, बहन बोलता था तो उसको भी। हाँ, मुंह बोली, लेकिन अब वो मेरा दिल का धड़कन है। इस औरत को तो नहीं साहब, लेकिन हाँ इस आदमी को देखा हूँ। कहाँ पे? यहीं हमारे रेस्टोरेंट से खाना लेके जाता है सर, कई दिनों से। अच्छा, तुम्हारे रेस्टोरेंट में CCTV तो होगा? हाँ है ना साहब। ये प्रथम के ड्राइवर के साथ दूसरा कौन है पता करो। सर, अरे नीलोफर भी ना बहुत शानी है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, पैसा कब मिलेगा? अरे तो ये एंकर देगा ना हमको पैसा। इस पे भरोसा मत करो, ये साली बड़ी चीज है। सर, सर मैंने क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया, सर ये वेल नॉन क्रिमिनल संगमित्रा है। सर, ये गोनी नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है और इसके लिए एक जग्गी नाम का गैंगस्टर भी काम करता है। और सर, उमंग संगमित्रा के गाँव का ही है। हालांकि प्रथम की किडनैपिंग से पहले इस पूरे गिरोह ने कोई किडनैपिंग नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद प्रथम जैसे बड़े एंकर को उठा लिया। फरौती के लिए सिर्फ एक बार कॉल आया, दोबारा कोई कॉल नहीं आया। आखिर ये किडनैपिंग क्यों और किस मकसद से की गई होगी? हाँ राजेश, बोलो। सर, कोसी के एक दूसरे CCTV में भी उमंग एक दूसरे क्रिमिनल के साथ में बाइक पर जाता हुआ दिख रहा है। वहां पर काफी फार्म हाउसेस हैं, हो सकता है ये लोग वहीं कहीं छुपे हों। गुड जॉब राजेश। किसके कहने पर प्रथम को किडनैप किया था?
और फिरौती के लिए किस औरत से कॉल करवाया था? बोलते नहीं तो ठोक दूंगा। मैं प्रथम की स्ट्रिंगर जरूर हूं, पर मैं शुक्ला जी के लिए काम करती हूँ। कौन शुक्ला? नेताजी है चंदौली के, संगमित्र, गौनी, जग्गी, तीनों उन्हीं के पालतू गुंडे थे। शुक्ला जी ने इन तीनों का काफी क्राइम्स में इस्तेमाल किया, पर कभी पैसे नहीं दिए, इसलिए इन तीनों ने अपनी एक गैंग बना ली और शुक्ला जी को मारने की कोशिश की। शुक्ला जी भी इन तीनों को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए मैंने और शुक्ला जी ने मिलकर एक चाल चली। मैं इन तीनों के गैंग में शामिल हो गई और मैंने इनसे कहा, शुक्ला जी को बाद में देखेंगे, पहले एक बहुत बड़ी हस्ती है, उसको किडनैप करके बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। पर असल में मैं और शुक्ला जी चाहते थे कि जैसे ही किडनैपिंग अटैम्प्ट हो, ये तीनों पकड़े जाएं और जेल में चले जाएं, जिससे कि शुक्ला जी को कभी मारने की कोशिश भी ना कर सकें। गुरुग्राम थाने में जो फ़ोन आया था कि एक बड़ी हस्ती किडनैप होने वाली है, वो फ़ोन तुमने करवाया था? हाँ, मैं और शुक्ला जी चाहते थे कि इन तीनों का वहीं एनकाउंटर हो जाए। इन तीनों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने इन लोगों के सामने फिरौती मांगने का ड्रामा किया, और आप लोगों का ध्यान हम पर से हटाने के लिए मैंने सुजय घोष को कॉल करके फंसाने की कोशिश की। शुक्ला का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे घर वापस आने की खुशी मनाऊं या तुम्हारे कर्मों के लिए तुम्हें कोसूं। जी, तुम कुणाल के दोस्त के साथ और ना जाने किन मासूम बच्चों के साथ ये सब घिनौनी हरकतें करते हुए आए हो। घिन आ रही है मुझे तुम पे। लेकिन कुदरत ने खुद उसे सजा दी। गोनी, जग्गी और संघमित्रा जैसे मामूली गैंगस्टर, उनके खात्मे के लिए प्रथम जैसी बड़ी हस्ती को छोटा सा मोहरा बना दिया गया। इस केस में गुना का ये मोटिव वाकई चौंका देने वाला है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.